Hello friends, welcome to the web lecture series of Anisur Rahman. Today I am going to talk on the topic of development of tourist circuits. In India there are many tourist circuits which have been classified on the basis of their relevances, their history and their importance from a particular sector point of view. Like there are deserts circuit, then Sufi circuit, Buddhist circuit, Jain circuit. Then we are seeing there are many circuits which have been developed in India to promote various destinations or to promote various destinations associated to a particular thing. They are linked to each other. For example, if someone wants to enjoy Char Dham of Uttarakhand, they can take a package of Char Dham circuit tour package. If someone wants to enjoy desert, then they can use a desert circuit package, a specialized package which will include Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur area of Rajasthan. If someone want to enjoy Sufi circuit, different places associated with Sufism in India, then those person can opt for Sufi circuit package which will include Ajmer Sharif, then Delhi Nizamuddin Aulia, and then Fatehpur Sikri, Salim Chishti's Dargah, then several other of maybe of Bihar or Uttar Pradesh. There are many other places associated with Sufism. So these kind of circuits have been developed to promote the destination as well as tourism in India. अब हम बात करते हैं कि कैसे इस तरह के टूरिज्म सर्किट को डेवलप करने के प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है. तो सबसे पहले ये है कि आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग, कि किस तरह से हम एक जो टूरिज्म सर्किट बनाने जा रहे हैं वो उसके अंदर कौन कौन से डेस्टिनेशन आएंगे, किस किस को इंक्लूड किया जा सकता है, उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कितना है. अब हम मान लेते हैं कि अगर हम किसी सर्किट की बात कर रहे हैं लेकिन कि कोई एक जगह है जिसका इम्पोर्टेंस हो सकता है कि लोकली हो लेकिन वो नेशनल लेवल पे अक्लेम नहीं करता है, लेकिन हम उसे सर्किट के अंदर डाल रहे हैं जिससे अगर सर्किट का लेंथ बढ़ जा रहा है या फिर लोगों को अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ रहा है, देन पीपल विल नॉट प्रमोट, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन विल नॉट कम फॉर दो सर्किट्स. तो इस तरह से सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन के कौन सा सर्किट बनाना है, फिर उसकी स्क्रीनिंग के उसके अंदर कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, देन कंसेप्चुअलाइजिंग द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ दोज एसोसिएटेड प्लेसेस एंड प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट प्रेजेंटेशन फॉर डैट. तो उसके बाद यह है कि एक प्रोटोटाइप डेवलप करना कि उन जगहों को जब हम एक सर्किट में जोड़ेंगे तो कहाँ कहाँ पर नाइट स्टे होगा, कहाँ पर फूड इजीली अवेलेबल होगा. ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह पे जा कर के हम टूर पैकेज ख़त्म कर दें जहाँ पर एक्चुअली होटल्स है ही नहीं. तो इसलिए ज़रूरत ये रहेगी कि एकोमोडेशन उन जगहों पे प्रोवाइड किया जाए या फिर रुकने की बात की जाए जहाँ पर अच्छे होटल्स हैं. उसके बाद कमर्शियल वायबिलिटी एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सर्किट्स की बात कर रहे हैं, ये रिलीजियस सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, अलग अलग मकसद से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उसकी कमर्शियल वायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अलग अलग जगहों के डेस्टिनेशंस लेकर के वहाँ पर कौन सी साइट सीइंग होगी और क्या वहाँ पर इंजॉय किया जा सकता है और किस तरह का एकोमोडेशन यूज़ करेंगे, फूड की का क्या अरेंजमेंट रहेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसकी कमर्शियल वायबिलिटी देख करके प्रोडक्ट डेवलप
किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी मार्केट टेस्टिंग होगी। कि लॉन्चिंग में पहले तो रेकी ट्रिप जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं मार्केट टेस्टिंग के लिए, कि जो ट्रैवल एजेंट या फिर मिडिल मैन हैं, जो इस फील्ड के प्लेयर्स हैं या फिर जो रिसोर्सेज और एक्चुअल कस्टमर अवेलेबल कराते हैं, उनको ये डेस्टिनेशन कैसा लगता है, वो प्रमोट इसे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। वो रेकी ट्रिप भी एक मार्केट टेस्टिंग हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे ट्रैवलर्स को शॉर्टलिस्ट करके अपने हिस्ट्री में से निकाल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो उस सर्किट पे काम कर रही है, कि कौन कौन से टूरिस्ट ने कितनी बार कहाँ विजिट किया। इस तरह का डेटा अवेलेबल होता है जब आप एयरलाइंस यूज़ करते हैं, रेलवे यूज़ कर रहे हैं या होटल्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम डेटा इस तरह का गैदर कर सकते हैं। तो उस डेटा को गैदर करके स्पेशल टूरिस्ट के लिए मार्केट टेस्टिंग लॉन्च किया जाता है। उस मार्केट टेस्टिंग के बाद अगर सारा कुछ देखा गया कि एवरीथिंग इज़ फिजिबल एंड दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर द डेस्टिनेशन, लोकल पीपल एंड फॉर द नेशन, तो फिर इसको फुल्ली मार्केट में लॉन्च किया जाता है और उसके बाद फिर इसके प्रमोशन पे काम किया जाता है। तो इस अब इसके लिए कोई भी सर्किट अगर डेवलप करते हैं तो एक्चुअली मार्केटिंग प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। जब आइडिया जनरेशन आता है तभी हम न्यूज़पेपर्स या में एज अ न्यूज़ ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप अ वाटर टूरिज्म और वाटर टूरिज्म सर्किट इन इंडिया बाय एडिंग डिफरेंट रिवर्स और अरेंजिंग क्रूज फैसिलिटी इन डिफरेंट रिवर्स। सो इस तरह के जो न्यूज़ आते हैं ये भी अपने आप में एक प्रमोशन का काम करते हैं। लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह से बीच बीच में न्यूज़ आते रहने से लोगों के बीच में अवेयरनेस रहती है और लॉन्चिंग के बाद प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फेजेस हैं। पहला फेज़ है आइडिया जनरेशन का, देन कंसेप्चुअलाइजिंग, देन थर्ड वन इज़ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, फोर्थ इज़ कमर्शियल वायबिलिटी टेस्टिंग, देन फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्स्थ वन इज़ मार्केट टेस्टिंग एंड सेवन्थ फाइनल इज़ द लॉन्चिंग और इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्किट की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग टूरिस्ट सर्किट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट हैं और उसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं और उनका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अनिसुर रहमान्स वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया, मेरा लेक्चर पसंद किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।